हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछा कि भैया राजेंद्र, आप क्या क्या काम करते हो, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं क्या क्या काम करता हूं, यूट्यूब के अलावा भी क्या काम करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको वीडियो में पूरा बता देते हैं कि हम किस किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो आप आज इस वीडियो के अंदर पूरा जान लेंगे। और अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। ठीक है, पिछले कैमरे से मैं दिखा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये हमारे पास बोर्ड है जो कि बाहर रखते हैं इसको। ये नाम देख लीजिए, फोटो स्टेड है, ऑनलाइन फॉर्म है, लेमिनेशन है, आधार कार्ड है, कलर फोटो है और पैन कार्ड है, मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच है और कंप्यूटर रिपेयर। तो फ्रेंड्स, ये सभी हम काम करते हैं। और ऊपर आप देख रहे होंगे, ये नाम है मेरा। ठीक है, और चलिए अभी साइड में ऊपर दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, वो आप जो देख रहे हो वो स्पीकर है, 5 स्पीकर लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये ओनली 4500 रुपये का लेके आए थे, 5 स्पीकर है। और आप ऊपर पंखा देख रहे हो, तो चलिए ऑटो फोकस हो जाता है। तो चलिए अभी साइड में दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप नीचे देखोगे तो नीचे बोर्ड लगा है HDFC का CSC। तो फ्रेंड्स, हमारे पास HDFC बैंक है, यानी कि हम BC पॉइंट है। तो ये जियो का है, आप देख रहे होंगे, और ये दूसरा भी HDFC बैंक का है, फ्रेंड्स, इसमें भी आप नाम देख सकते हो। और फ्रेंड्स, हमारे पास CSC ID है, उसमें हम बहुत। और फ्रेंड्स, बैंक में हम क्या क्या काम करते हैं, जो HDFC बैंक है इसके अंदर देखो, सभी बैंकों की ज़रूरत के लिए सेवाओं की पूरी रेंज। ठीक है, बचत खाता यानी हम बैंक खाता खोलते हैं, चालू खाता, करंट खाता, सेविंग अकाउंट सारे खोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, और ये सारी चीज़ें हम करते हैं। चलो दूसरी तरफ देख लेते हैं, सभी लोन की ज़रूरतों का समाधान, कार लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, सेल्फ लोन, ये सभी हम देते हैं। ठीक है, और हमें बैंक से क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, और देखो फ्रेंड्स, ये लेमिनेशन मशीन है। तो फ्रेंड्स, हमने छोटा सा दुकान किया था और छोटे से दुकान से ही हमने इतना सब कुछ खड़ा किया है। और चलिए अभी साइड में देखते हैं, ये कलर प्रिंटर है फ्रेंड्स, ये एप्सन का है, और मार्केट में अभी इसकी कीमत 17-18 हज़ार के लगभग है। ठीक है, और आप नीचे देखोगे तो, चलो नीचे दिखा देता हूँ आपको, ये रैक सा बना रखा है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी आपको आगे दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, तो एसेसरीज है मोबाइल की, स्पीकर वगैरह यहाँ पे बेचते हैं, जैसे सेल करते हैं। ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ये भी ब्लूटूथ स्पीकर है, ये चार्जर है, और यहाँ पे और भी एसेसरीज रखी, ये सारी मोबाइल की एसेसरीज है। इन सभी के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा वैसे वेस्ट सामान रखा है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। और चलिए ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आप नियुक्ति का प्रमाण पत्र, राजेंद्र कुमार को बैंकिंग फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये साइन देख लीजिए, CSC देख लीजिए। ठीक है, और ये कब मिला था, जुलाई 2019। ठीक है, तो ये स्टिकर है, आइडिया का है, वोडाफोन का है। और फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक बेस्ट है फ्रेंड्स, ये है HP का 1005। तो मैंने इससे शुरुआत की थी, तो ज़बरदस्त क्वालिटी निकालता है, और एक बार रिफ़िल करने के बाद में फ्रेंड्स 2500 पेज के लगभग निकाल देता है। तो काफ़ी अच्छा प्रिंटर है फ्रेंड्स। यदि आप भी कोई दुकान करते हो, कोई भी छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करते हो, तो आपको भी यही लेना चाहिए। ठीक है, ये पेटीएम है, और ये मेरे पास डेस्कटॉप है, और ये कीबोर्ड है। ठीक है, चलिए इसको नीचे कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी मोबाइल की एसेसरीज है। और फ्रेंड्स, हम कोई भी सामान एसेसरीज जो भी मोबाइल की है वो हम कम रेट में देते हैं यहाँ पे, यानी कि कस्टमर को परेशान नहीं करते, बहुत ही कम रेट के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं।
और आप ऊपर तक देख सकते हो, ऊपर फिर आपको वही दिखाई दे रहा होगा, बोंड का स्पीकर। तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं फ्रेंड्स, ये कितना महंगा लेके आए थे, ज़्यादा महंगा नहीं, 4500 का है। तो आप ऐसे सीरीज देख लीजिए, और एक इधर है नियुक्ति प्रमाण पत्र। ऊपर देखोगे तो ऊपर फ्रेंड्स लाइटें लगा रखी है, जो मैं यहाँ पे यूट्यूब का काम करता हूँ तो ये लाइटें पड़ती हैं, ठीक है, तो जिससे थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ती है। तो चलिए आपको नीचे दिखा देते हैं, नीचे ये रखा है स्पीकर, जो मैं बेस बता रहा हूँ ना, ये स्पीकर है, ये UPS है। तो फ्रेंड्स यही था सारा कुछ, है। हम इस जो पार्ट टाइम है वो मैं यही करता हूँ, यानी कि YouTube के अलावा ये काम करता हूँ, CSE संभालता हूँ, HDFC बैंक संभालता हूँ, और भी यहाँ के बहुत सारे काम है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।